बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सावन महीने में आपको बता दें, आज सावन का पहला सोमवार है और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय जो है गूंज रहा है। शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी है। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, जो कि सावन के महीने में भक्त महादेव को खुश करने के लिए मंदिर का रुख करते हैं। तमाम जो प्राचीन मंदिर है वहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ होती है और ऐसे में आपको बता दें कि आज मंदिरों में पूरे दिन ये सिलसिला लगातार देखने को मिलेगा, क्योंकि सावन के सोमवार में भक्त महादेव के दर्शन के लिए छोटे बड़े मंदिर कोई भी हो, वहाँ पर महादेव के जो भक्त हैं उनकी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ऐसे में देश में कई प्राचीन मंदिरें भी हैं जहाँ इस वक्त भक्त जो है वो लगातार घंटों लाइन में लगकर भगवान महादेव को खुश करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो सावन की अपनी महत्वता है और ऐसे में सावन के महीने में भगवान शिव को खुश करने के लिए भक्त महादेव की आराधना करते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है तो सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है, क्योंकि कहते हैं कि सावन के महीने में भक्त अगर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करता है तो महादेव जल्द ही प्रसन्न होते हैं और जो मन्नतें होती हैं भक्तों की वो ज़रूर पूरी होती हैं। तो सावन के महीने में भगवान शिव को खुश करने के लिए लोग बेलपत्री और इसके साथ ही आपको बता दें कि रुद्राभिषेक जलाभिषेक करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। ये चार तस्वीरें आपको अलग अलग प्रदेश की दिखा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के नोएडा की तस्वीर देखिए, जहां भगवान शिव की आराधना में तमाम भक्त नज़र आ रहे हैं। वहीं जयपुर राजस्थान से ये तस्वीर सामने आई है, जहाँ पर महादेव को प्रसन्न करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें और भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, हरिद्वार की तस्वीर भी देखिए किस तरह से भगवान शिव को खुश करने के लिए सुबह सवेरे भक्तों की जो लाइनें हैं वो लगनी शुरू हो गई। वहीं मुंबई की अगर बात करें, महाराष्ट्र के मुंबई में भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगीं। आपको बता दें रात 12 बजे से ही जो भोले के भक्त हैं वो लाइनों में लगने शुरू हो गए थे, ताकि सुबह सवेरे सबसे पहले वो दर्शन कर सकें, पूजन कर सकें और भगवान शिव को प्रसन्न कर सकें। तो इस वक्त बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लगातार लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं और अलग अलग प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर जगह भक्तिमय माहौल है और शिव के जो भक्त हैं वो शिव की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आपको अलग अलग ज़िले की 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों की 8 तस्वीरें हैं। वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, मथुरा, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, कानपुर, सभी जगह इस वक्त भक्तों की भारी भीड़ नज़र आ रही है, क्योंकि सावन की अपनी मान्यता है और सावन का सोमवार बेहद ख़ास है भगवान शिव की पूजा के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, जिसकी वजह से लोग मंदिरों का रुख करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव की नगरी वाराणसी इस वक्त बम बम भोले के जयकारों से गूंज रही है। वहीं रामनगरी अयोध्या भी इस वक्त भगवान शिव के जयकारों से गूंज रही है। राजधानी लखनऊ की तस्वीर देखिए, लोग पूजा पाठ करते हुए किस तरह से बाबा भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हुए हैं। मथुरा, श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भी लोग लगातार भगवान शिव की जो है आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। गाज़ियाबाद में एक लंबी कतार देखिए किस तरह से लोगों की लगी हुई है। गोरखपुर जो कि गोरक्षनाथ मंदिर, यहाँ पर भगवान शिव के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मान्यता है इस मंदिर की, यहाँ भी भारी तादाद में लोगों की भीड़
भीड़ जो है देखने को मिल रही है। वहीं जौनपुर में भी लोग लंबी कतारों में लगे हुए हैं और घंटों तक लाइनों में लगकर भगवान शिव की आराधना कर रही हैं। कानपुर की तस्वीर भी अपने आप में खास है, चूंकि यहाँ भी भक्तों की भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करना पुलिस प्रशासन के लिए यहाँ पर एक चुनौती भरा वक्त है, चूंकि भारी भीड़ होने की वजह से किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो आज सावन का पहला सोमवार है और सावन के सोमवार का व्रत जो है लोग रखते हैं और 29 जुलाई को दूसरा सावन का सोमवार पड़ेगा। तो ऐसे में सावन के महीने में जितने भी सोमवार पड़ेंगे लोग व्रत रखते हैं। 5 अगस्त को तीसरा सावन का सोमवार होगा। ऐसे करके जो है सावन के सोमवार में सभी व्रत रखते हैं। 12 अगस्त को चौथा सावन का सोमवार होगा। इसके साथ ही 29 अगस्त को 5वां सावन का सोमवार होगा। इस बार आपको बता दें सावन महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं और ऐसे में 5ों सोमवार का व्रत लोग रखते हैं। सूर्योदय से रात 11:40 तक सर्वार्थ सिद्धि 29 दिवसीय सावन महोत्सव की शुरुआत सोमवार को हो गई है और सोमवार को ही सावन के सोमवार का समापन हो रहा है। तो 23 जुलाई को सुबह 5:57 पर दोपहर 12:05 पर सावन में 7 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। तो सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना बेहद फलदायी होती है। 23 जुलाई को सावन का पहला मंगला गौरी व्रत होगा जो कि बेहद फलदायी होता है। 30 जुलाई को सावन का दूसरा मंगला गौरी व्रत होगा और 6 अगस्त को सावन का तीसरा मंगला गौरी व्रत रहेगा। 13 अगस्त को सावन का चौथा मंगला गौरी व्रत रहेगा। 20 जुलाई को आपको बता दें कि 5वां जो है मंगला गौरी व्रत होगा। जप तप अभिषेक काल सर्प योग शांति सहित अनेक धार्मिक आयोजन होंगे। पहले दिन भक्त मंगला गौरी का व्रत रखते हैं और इसके साथ ही भगवान शिव की भक्ति में लोग डूबे रहते हैं। सावन सोमवार में शिव जी की पूजा बहुत फलदायी मानी जाती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूरा महीना बहुत खास होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखना अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होता है। तो सावन के अंतिम दिन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो जप तप अभिषेक काल सर्प योग शांति अनेक धार्मिक आयोजन होंगे। पहले दिन भक्त मंगला गौरी का व्रत रखते हैं।